फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और देखो, आज फिर ले आई हूँ मैं आपको अपनी छत पर। और छत पर आज मैं प्लांट्स के ही काम करने वाली हूँ, तो वही मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो गमला है, इसमें मिट्टी काफ़ी पुरानी हो गई है, क्योंकि काफ़ी साल तक इसमें जो गुलाब का पौधा रहा है मेरा। और अब इस मिट्टी को मैं निकाल कर अच्छे से सुखा लूँगी 2-3 दिन धूप में, क्योंकि मुझे वापस से इसमें मैंने सोच लिया है कि गुलाब का ही एक पौधा लगाना है। मुझे जो है कि गुलाब बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड मना भी कर रहे हैं कि कोई और लगा ले, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं नर्सरी जाऊंगी और गुलाब का ही प्लांट लेकर आऊंगी। इसमें मैं गुलाब ही लगाऊंगी, चाहे कोई सा भी कलर लेकर आऊं। उसके लिए मैं सारी मिट्टी खाली करके 2-3 दिन धूप में सुखाने वाली हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड व्हाइट सीमेंट घोल रहे हैं, क्योंकि मेरे छत पर कई जगह पे गड्ढे हो चुके हैं, तो उन्हें फिल करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास यही सीमेंट है तो मैं इसी से काम चला लूंगी। जो दूसरा वाला सीमेंट आता है वो नहीं है। ये चंपा वाला ही गमला है। गमला काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन बीच में इस तरीके से दरार आ गई है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला अभी इमिडिएटली मैं इसे इस तरीके से ही जोड़ लेते हैं, क्योंकि अभी मैं नया गमला है वो इमिडिएटली नहीं ला पाऊंगी। जब लाऊंगी तो देखा जाएगा। पता चला कि जब तक लेने गई हूँ उससे पहले ही ये टूट गया है, क्योंकि गमले एकदम मेरे घर के पास में भी नहीं मिलते हैं, उसके लिए मुझे दूर जाना पड़ता है। ये वो फ्लावर हैं जो मैंने कि आपको बोला था मैं खिलने के बाद आपको दिखाऊंगी कि ये खिलने के बाद कैसे दिखते हैं। यहाँ पर मैंने छत पर गेहूं धोकर डाले हैं। इसमें मैंने कुछ टॉय और एक स्क्वायरल रख दी है, ये आइडिया लगाकर कि मेरा जो कबूतर था वो इन्हें देख के बहुत डरा करता था और ऊपर पंखा पर बैठ जाया करता था, तो और कबूतर भी इनसे डरे, इसलिए मैंने ये रख दिए। यहाँ पर जो विंटर सीजन वाले मैंने बीज बोए थे, उसके जो पौधे हैं अब थोड़े बड़े हो चुके हैं छोटे से, और वही मेरे हस्बैंड इनको दूसरे गमले में शिफ्ट कर रहे हैं, और जब ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे तब शिफ्ट करने में दिक्कत आएगी। अभी इनको शिफ्ट करना आसान रहेगा और ये इजीली लग भी जाएंगे। ये जो वीडियो है 1-2 दिन पुराना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि मैं वीडियो तो बना लेती हूँ लेकिन सेम डे उसको एडिट नहीं कर पाती, मुझे नहीं टाइम लग पाता है, तो मैं उसे 1 या 2 दिन बाद सेंड करती हूँ एडिट कर। ये जो छोटे गमले में एक गुलाब का पौधा सूख गया था, उसी के लिए एक बेल हम ले आए थे और इसमें मैंने लगा दी थी, तो ये गिलहरी ने जो है तुरंत काट दी है और ये बेल इस तरीके से हो गई है शाम होने तक। तो उसी को फिर से हम अगेन कट कर रहे हैं, और देखो जहाँ पर इसकी जड़ें आ रही है यहाँ पर इसकी जड़ें आनी शुरू हुई हैं, और इसी के थोड़ा सा नीचे से हम इसको कट कर वापस से लगा देंगे, तो ये हो जाएगी और होना पॉसिबल है। गिलहरी बहुत नुकसान करती है, बेलों को काट देती है, जो भी बेल होती हैं फ्लावर जो आते हैं, मोस्टली हिबिस्कस के फ्लावर इस टाइम पे तो खिल रहे हैं, क्योंकि शायद उसे आजकल काटने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग पापा छत पे चले जाते हैं, फिर आफ्टरनून में भी पापा खान लंच करके छत पे धूप सेकने चले जाते हैं, तो उसे मौका नहीं मिल पा रहा है। अदरवाइज तो वो एक भी हिबिस्कस का जो फ्लावर है खिलने नहीं देती है, बहुत नुकसान कर देती है। ये नींबू के पेड़ की जो कटिंग है हमने नवंबर 1 में ही कर दी थी, और अब देखो इस पर कितने सारे कल्ले फूट गए हैं, और नवंबर 1 में, और मैंने बताया है कि नवंबर 1 में और अक्टूबर से लेकर नवंबर 1 तक अगर आप कटिंग कर देते हैं तो सही रहता है। इतने सारे कल्ले इस पर फूट रहे हैं, तो अच्छा लगता है जब हम पौधों की कटिंग करते हैं टाइम से उन पे कल्ले फूट जाएं, और हम पौधों के लिए कुछ भी करते हैं, नए नए कल्ले फूटते हैं, नई नई कलियाँ आती हैं, तो पौधों को देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास 2 करवे रखे हुए हैं, तो आज मैंने इनमें क्या करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तो मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे इस बार करवों का क्या करना है, क्योंकि हर बार पापा जो मांगने वाले आते हैं उनको दे देते हैं करवे भी और उसके खील भी और उसमें जो दक्षिणा होती है वो भी। इस बार मैंने सोचा कि मैं खुद इनमें प्लांट लगाऊंगी, और पापा जी को मैंने पहले ही बोल दिया था, तो अच्छा होता है कि करवों में हम हरा भरा प्लांट लगा दें। तो इसमें मुझे होल करना है। सबसे पहले होल करने के लिए मैं जो काम कर रही हूँ वो दिखा रही हूँ। एक पानी का बर्तन रखा है मैंने, इसमें पानी है और इसमें मैं इसको डुबाऊंगी। डुबाते वक्त बबल्स जरूर आने चाहिए पानी में, या ना जरूरी है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे कि ये पूरा टूट जाएगा, इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, तू ऐसा मत कर। तो मैंने उनसे शर्त लगा ली थी कि नहीं, मैं इसमें अच्छे से होल करूँगी,
कुछ भी नहीं होगा, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बस मुझे एक होल चाहिए, तो बस एक होल ही होगा। ये देखो अच्छे से मैंने एक होल कर लिया है, और होल अगर बहुत छोटा है तो बाद में मैं इसको पेचकस से थोड़ा सा और बड़ा कर लूँगी, क्योंकि मिट्टी का है तो आराम से हो जाएगा। इसी तरीके से मैं जो है दूसरे वाले करवे में भी एक होल कर लूँगी। पानी में उल्टा डुबाना है धीरे धीरे करके, और ध्यान देना है कि बबल्स ज़रूर आए, बबल्स जब ऐसा होगा तभी हम इनमें होल कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई सिरेमिक का कप है, बड़ा सा कॉफ़ी कप वगैरह है, तो उनमें भी अगर आपको होल करना है, कोई भी प्लांट अगर आप लगाते हैं तो होल ज़रूर कीजिए, और सिरेमिक वाले बड़े बड़े जो कप होते हैं उनमें भी इसी तरीके से आप होल कर लीजिए। उनमें चाहे तो मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, कुछ भी इंडोर प्लांट आप लगा लीजिए, जेट प्लांट वगैरह, चाहे तो आप उसे अपने किचन में, बाथरूम में, अपने रूम में कहीं भी रख दीजिए। अब मैंने इन दोनों ही करवों में होल कर दिया है अच्छे से, और ये मुझे कह भी रहे हैं अरे वाह तेरी जो टेक्निक है वो काम आई। मुझे तो लग रहा था ये टूट जाएंगे, तो शर्त लगी थी, इन्होंने कहा था टूट जाएंगे, मैंने कहा था नहीं टूटेंगे, तो मुझे अपने पे विश्वास था अपना जो अपनी जो टेक्निक है। तो प्लांट लगाने से पहले मैंने इनमें नीचे से थोड़ा थोड़ा कंकड़ डाल दिए हैं, जिससे कि इनमें जो है जो ड्रेन है वो अच्छे से हो जाए। मिट्टी सबसे पहले डालूंगी तो होल जो है बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे वहाँ से मिट्टी भी निकलती रहेगी। लेकिन कंकड़ डाला है, फिर रेत डाली है, और फिर उसके बाद डाल दिया है मैंने इसमें मिट्टी। कंकड़ नीचे इसलिए डाला है कि इसमें ड्रेनेज सिस्टम जो है अच्छे से बना रहे, और रेत भी पानी अच्छे से निखार लेती है। इसीलिए अगर हमारे जो गमलों में ड्रेन सिस्टम नहीं रहता है तो पौधों की जड़ें सड़ जाती हैं, उसी के लिए मैंने ये काम किया है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास स्नेक प्लांट की ही एक ये वैरायटी है, तो ये इस गमले में एकदम हौसपौस हो गया, एकदम घिचपिच सा, तो उसी को मैं आज जो है निकाल लूँगी, इसकी अच्छे से छटिंग कर लूँगी। बहुत बेकार ये हो गया है, और इसकी जो छटिंग करके मैं इनको इसमें लगा लूँगी, और जो ख़राब हो गया है उसको फेंक भी दूँगी, और थोड़ा बहुत जो और भी कहीं स्पेस होगा उसमें लगा दूंगी। सबसे पहले मैंने इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल लिया है, जिससे कि मिट्टी नीचे इजीली बैठ जाए और प्लांट आराम से लग जाए। इस तरीके से हम घर में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको यूज में ला सकते हैं, और अच्छा लगता है जब हम कुछ चीज़ें होती हैं जो वेस्ट होती हैं, या फिर हमें नहीं लगता कि ये किसी और काम आएगा, तो उनको हम इस तरीके से काम में ले लें। और पेड़ पौधे जब लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, हरा भरा लगता है, और इसमें लगाने के बाद तो ये पॉट ऑलरेडी डेकोरेटेड है। आप चाहे तो इसे अपने रूम में रख लीजिए, या फिर मैं तो खैर इसे सोच रही थी कि अपने रूम में रखूं, लेकिन अभी कुछ दिन मैं इसे बाहर ही रखूंगी, क्योंकि मैंने अभी अभी इसमें इसको लगाया है, और जब ये कुछ दिन बाद अच्छे से इसमें ठीक से हो जाएगा फिर मैं इन्हें अपने रूम में रख लूँगी। अब आप खुद ही देख लीजिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये दोनों पॉट। अब देखो मैं अचानक तैयार हो रही हूँ, शाम के 4:30 मतलब 4:30 से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, 4:35 हो गए हैं, और मुझे जाना है कहीं। कहाँ जाऊँगी वहाँ मैं आपको दिखाऊँगी, जहाँ भी मैं जा रही हूँ, और अचानक मैं हो रही हूँ तैयार। मैंने प्लान तो कल से ही बनाया था कि मुझे जाना है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं आया, तो इस वजह से मैं तैयार नहीं हुई थी, और इमिडिएटली 5 मिनट में ही मैं तैयार होकर निकल गई हूँ, क्योंकि मैं वहाँ के लिए फल फ्रूट भी कुछ भी सामान नहीं लेकर आई हूँ। और जब कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर मैं तैयार हो ले रही हूँ। मैंने सोचा तो था कि मैं साड़ी डालकर ही जाऊँगी, लेकिन अब मैंने सिर्फ फटाफट से एक फ्रॉक सूट डाल लिया है, और फटाफट यूँ ही तैयार हो गई हूँ। ज़्यादा मेकअप मैंने कुछ नहीं किया, आप ये मत सोचना कि मैंने मेकअप किया है। कभी कभी तैयार होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे शौक है कि मैं जब भी कहीं बाहर जाऊँ अच्छे से बन करके ही निकलूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं पहुंच गई हूँ छठ पूजा में, और देखिए कितना बड़ा त्यौहार है, कितना बड़ा व्रत है। 36 घंटे का यह व्रत है, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह मनाया जाता है। इसमें सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है,
और जो औरत इस व्रत को लेती है, मैं तो कहती हूँ कि धन्य है उनको, कितनी शक्ति माता देती है उन्हें इस व्रत को करने का। और इससे जुड़ी हुई अनेक सारी लोक कथाएं हैं जिन्हें जिनसे हम अच्छी तरीके से अभी परिपूर्ण तरीके से नहीं परिचित हैं। तो जैसे कि माता ये सीता और श्री राम जी से जुड़ी हुई कथाएं हैं, पांडवों से जुड़ी कथाएं हैं। और इस व्रत में जब घाट पे ये मनाया जाता है तो उस वक्त इतनी रौनक होती है, सच में वहाँ पे देखने का मज़ा ही कुछ और है। इस बार कोरोना के चलते दिल्ली के सीएम ने इसको घरों में सेलिब्रेट करने के लिए कहा है, तो लोग अपनी अपनी छतों पर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई भी घर के बाहर नहीं जा रहा इसे सेलिब्रेट करने। नहीं तो इसे मनाने के लिए घाट पे जाया करते थे अर्घ देने के लिए, तो हम जाया करते थे पहले देखने के लिए, अच्छा लगता था। और अभी शाम का वक्त है, ये मेरे पहुंचने तक इन लोगों ने जो है कि सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया है। और ये देखो जो ये उठा रही हैं वो सिंदूर का इतना बड़ा डिब्बा है, शादी में ये लोग इतना ही बड़ा सिंदूर का डिब्बा चढ़ाते हैं। और ये देखिए फलों की तो भरमार होती है इस व्रत में, मार्केट में वो सारे फल मिल जाते हैं जो कि होते हैं, और कुछ फल तो ऐसे भी होते हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता, लेकिन छठ पूजा पे खूब सारे फल मार्केट में आते हैं और हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। कच्ची हल्दी पूरे साल भर आपको मिले ना मिले, लेकिन छठ पूजा पर कच्ची हल्दी मार्केट में ज़रूर मिल जाती है, जो कि आगे पीछे नहीं मिलती। और ये जो फल आप देख रहे हो ये भी छठ पूजा पर ही मिलता है यहाँ पे, आगे पीछे मैंने कभी भी इसे मार्केट में नहीं देखा, जबकि छठ पूजा साल में दो बार आती है। और ये जो छठ पूजा है कार्तिक महीने की शुक्ल पक्षी की षष्ठी को जो आती है, ये बहुत बड़ी छठ पूजा होती है। तो देखो पूजा पाठ के काम हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, वो बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ पे हम जाएं तो बहुत अच्छा लगता है हमें खुद को। और सच में यकीन मानिए मन को सुकून मिलता है, और पूजा पाठ के कामों में भला कौन नहीं जाएगा। मैंने अपने इस वीडियो में किसी का भी फेस नहीं लिया है, क्योंकि किसी को पसंद हो या नहीं हो हमें नहीं पता किसी के बारे में, बस पूजा का मैं जितना ले सकती थी वही मैंने लिया है। और अब पूजा भी आधी हो चुकी थी, उसके बाद मैं पहुंची हूँ, नेक्स्ट ईयर शायद मैं आपको पूरा छठ पूजा दिखा पाऊँ। तो बस यही था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो, और वीडियो को करूँगी मैं यहीं पे ख़त्म। और तब तक के लिए आपसे मैं चाहूँगी अलविदा, और उससे पहले मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगी कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।